हेलो गाइज, माय नेम इज शिबू मिश्रा। होप करता हूँ कि आप सारे अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, जैक डेली का काउंसलिंग का इसका काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। जैक डेली का काउंसलिंग जो है वो आपका चलेगा 24 सितंबर से लेकर 24 अक्टूबर तक। इसका जो काउंसलिंग है पूरे एक महीने चलने वाला है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइमिंग मिल जा रहा है इसका काउंसलिंग का फॉर्म भरने के लिए। तो इसका फॉर्म भरने का बिल्कुल भी जल्दीबाजी ना करें। आप सारे डॉक्यूमेंट्स को पहले अच्छे से बनवा लें, देख लें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए रिक्वायर्ड है, देन इस फॉर्म को भरें। एंड इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आपको इस काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब काउंसलिंग से लेके एडमिशन प्रोसेस तक, जब आपकी सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, जब आप कॉलेज में जाएंगे तब तक आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो में मैंने सारे कवर किए हैं। बहुत सारे बच्चों को डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज हैं, जैसे कि कैटेगरी सर्टिफिकेट से बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि उनके कैटेगरी सर्टिफिकेट जैसे कि जनरल EWS से हैं या OBC से हैं, तो उनको प्रॉब्लम है कि उनका कब तक ये जो सर्टिफिकेट है वैलिड रहेगा, कब तक उनको चाहिए। उनका जो सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल होना चाहिए या स्टेट होना चाहिए, उनका जो सर्टिफिकेट है वो डिजिटली साइंड होना चाहिए, नॉर्मल जो सिग्नेचर है वो भी चलेगा, या उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनकी स्टेट लैंग्वेज में बना हुआ है, ना कि सेंट्रल हिंदी में बना हुआ है चाहे इंग्लिश में बना हुआ है, तो वो वैलिड होगा कि नहीं। उसके बाद और भी बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि बहुत सारे बच्चों को वो अपना सही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं यहाँ पे काउंसलिंग के समय, लेकिन वो रिजेक्ट हो जा रहा है, तब क्या करें उसके लिए। उसके अलावा कि जो आप फोटो इसमें देंगे, दूसरा फोटो दे सकते हैं या वही फोटो देना है जो JEE Mains का समय दिया था। तो इस टाइप के बहुत सारे डाउट्स हैं बच्चों को, जिस वीडियो में मैं पूरी तरह से क्लियर करूँगा कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, चाहे जो भी क्वेरीज मैंने अभी बोली, चाहे जिस जैसी भी हैं, मैं सारे इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगा। जैक डेली की जो काउंसलिंग है वो रिलीज हो चुकी है, एंड उसका क्या क्या स्केड्यूल है, कब कौन सा राउंड होने वाला है, चाहे कितने राउंड्स होंगे इसमें, स्पोर्ट राउंड के बारे में क्या है, फेज़ 1 काउंसलिंग क्या है, फेज़ 2 काउंसलिंग क्या है, फेज़ 1 काउंसलिंग में कब पार्टिसिपेट कर सकते हैं, फेज़ 2 काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कब कर सकते हैं, इसकी क्या क्या फ़ी रिक्वायरमेंट्स हैं, सीट अलॉटमेंट के लिए कितनी फ़ी देनी पड़ेगी अपने को, मतलब एवरीथिंग। मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है जैक डेली स्केड्यूल के नाम से, उसका मैं लिंक दे दूँगा आप डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स की बात करने वाले हैं, बाकी जितने भी जैक डेली की एडमिशन प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया है। तो आप उस वीडियो को जाके वहाँ से देख सकते हैं, या मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होगा वो आपका होगा फोटोज़। तो फोटोज़ देखिए, आपका वही लगेगा जो आपने JEE Mains में दिया था। JEE Mains का समय मतलब जो बच्चे ने अपलोड किया अपना फोटो, वहाँ यहीं पर आपको सेम फोटो लगेगा, यहाँ पे आपको सेम फोटो लगेगा। एंड इसकी कम से कम आपके पास 5 से 10 कॉपी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो फोटो आप निकलवाएंगे इसकी बहुत जगह यूज़ आने वाला है, काउंसलिंग से लेके एडमिशन प्रोसेस तक इसका यूज़ आने वाला है। तो कम से कम 5 से 10 कॉपी निकाल लें, एंड वही फोटो चलेगा जो आपका JEE Mains में आपने दिया था। उसके बाद जो अगला डॉक्यूमेंट है वो आपका आएगा क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 12th का मार्कशीट। तो क्लास 10th का मार्कशीट और क्लास 12th का मार्कशीट इसको आप स्कैन करके PDF के फॉर्म में रख लें, क्योंकि काउंसलिंग के समय इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो 10th और 12th का मार्कशीट आपका यहाँ पे लगेगा। उसके बाद आपका आधार या पैन कार्ड, आपके कोई भी आइडेंटिटी कार्ड जिसमें आपका फोटो लगा हो, तो जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो या आधार कार्ड नहीं हो तो पैन कार्ड हो, कुछ भी इन दोनों में से हो तो आपके पास होना चाहिए, ये आपका आइडेंटिटी के लिए मांगेगा इसमें। उसके बाद जो आपका लगेगा अगला डॉक्यूमेंट्स वो होगा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट का मैंने फॉर्मेट दे रखा है, जितने भी मैं इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सबका फॉर्मेट का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जाके मैच कर सकते हैं कि आपके अगर आप वो बनवा चुके हैं सर्टिफिकेट तो वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड अगर नहीं मैच कर रहा है तो क्या करें। देखिए, अगर नहीं मैच कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि मैच करे, उसमें से 100% नहीं मैच कर रहा तो भी आपका वैलिड है, लेकिन अगर आपका पास नहीं बना है तो आप वो फॉर्मेट देख के दोबारा उसको बनवा सकते हैं। तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप बनवा सकते हैं अपने आसपास में जितने कोई भी अगर सरकारी हॉस्पिटल है, आप फॉर्मेट में आप देख लें, फॉर्मेट लेके वहाँ पे जाएं, वहाँ के सरकारी किसी भी डॉक्टर से आप अपना जो मेडिकल रिपोर्ट है आपका जो भी, वहाँ से अप्रूव्ड करवा लें, सिग्नेचर करवा लें, तो वो आपका वहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट काउंसलिंग के समय आपका लगेगा। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए लगेगा जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, उनको काउंसलिंग के समय अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है सबमिट करना पड़ेगा। ये सब जितने भी सर्टिफिकेट्स मैं बता रहा हूँ इनको PDF के फॉर्म में रखना पड़ेगा स्कैन करवा के, क्योंकि यहाँ पे आपको अपलोड करना है, तो उसको PDF के फॉर्म में आप रख सकते हैं उसको। उसके बाद है जो अगला डॉक्यूमेंट वो है आपका गैप ईयर एफिडेविट। गैप ईयर मीन्स जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चों ने ड्रॉप ले लिया है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लेके इस साल उनको कॉलेज मिला है, कॉलेज अलॉट हुआ है, चाहे इस साल कॉलेज वो लेना चाहते हैं, देन उन बच्चों के लिए जो उन्होंने 1 साल चाहे 2 साल जितना भी ड्रॉप लिया है, गैप लिया है, उसके लिए उनको गैप ईयर एफिडेविट बनाना होगा, जिसमें उनको रीज़न देना होगा कि उन्होंने गैप क्यों लिया, क्या लिया, तो उसमें आपको फुल डिटेल्स देने पड़ेंगे, तो आपका एक गैप ईयर एफिडेविट भी वहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे और भी जरूरी बातें हैं उसमें, ये कि जो फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग का जैक डेली का, तो जो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे उसका आप एक कॉपी रख लें,
फॉर्म भरने के जब आपका पूरा रजिस्ट्रेशन आप सक्सेसफुल हो जाएगा, देन उसका एक फोटो कॉपी निकलवाएं, उस पर आप अपने मम्मी पापा का पेरेंट्स का सिग्नेचर रख लें, क्योंकि इसका जरूरत आपके एडमिशन के समय लगेगा। काउंसलिंग के समय तो हो चुका है ये, लेकिन जब आप फिजिकली जाइएगा कॉलेज में सीट अलॉटमेंट के बाद, देन आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगा। उसके बाद चॉइस फिलिंग का, जो आपने चॉइस फिलिंग किया उसका भी आप एक कॉपी निकाल लें, या आप उसको सेव कर सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, दोनों कर लें क्योंकि इसका आगे जरूरत पड़ने वाला है एडमिशन के समय। तीसरा जो है आपका सीट अलॉटमेंट लेटर, जो आपको सीट अलॉट होगा उसका जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उसको भी आप फोटोकॉपी करवा सकते हैं या पीडीएफ को आप सेव कर सकते हैं। जितनी भी मैंने तीनों चीज़ बताई आपको, भी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, चॉइस फिलिंग और ये सीट अलॉटमेंट लेटर है, ये तीनों आपको एडमिशन प्रोसेस में आएंगे, ना कि आपको काउंसलिंग के समय जरूरत पड़ेंगे। काउंसलिंग में तो ये सारे आपको मिलेंगे ऐसे कि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुल होगा, चॉइस फिलिंग आप काउंसलिंग के समय करेंगे, सीट अलॉट होगा आपको काउंसलिंग के समय, तो ये तीनों आपको एडमिशन प्रोसेस समय आपको काम आएंगे, ना कि काउंसलिंग के समय। उसके बाद जो काउंसलिंग के समय काम आने वाला है वो है जेई मेंस का एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड तो जेई मेंस के एग्जाम के समय ले लिया जाता है, लेकिन आप उसको ऑनलाइन अपना रोल नंबर डालेंगे, देन आप वहाँ से एडमिट कार्ड निकलवा सकते हैं, वो रख लें अपने पास। उसके बाद जो जेई मेंस का आपका स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट आ रखा है, उसका फोटो कॉपी अपने पास रखें। उसके बाद आपका जो है बोनस पॉइंट सर्टिफिकेट, अब ये बोनस पॉइंट सर्टिफिकेट सिर्फ IIIT दिल्ली के लिए है। ये बोनस पॉइंट क्या है, तो जैसे कि आपका 10th में मान लीजिए 80% से ऊपर है, या 12th में 80% है, या कुछ अदर क्राइटेरिया है इसके लिए जिसमें आपको बोनस पॉइंट्स मिलते हैं, ये सिर्फ IIIT दिल्ली के लिए है। तो उसके लिए अगर आपको बोनस पॉइंट्स के आप मिलते हैं, देन आपको बोनस पॉइंट का एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। अगर आप इसके ऊपर में डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा बोनस पॉइंट के ऊपर, जो IIIT दिल्ली का है। तो अगर आपको बोनस पॉइंट के लिए आप एलिजिबल हैं, आपको मिल रहा है, देन आपको सर्टिफिकेट इसका सबमिट करना पड़ेगा काउंसलिंग के समय, तो आप इसको बनवा के रख लें। उसके बाद जो आपका अगला सर्टिफिकेट लगेगा वो आपका लगेगा PWD सर्टिफिकेट। अब PWD सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरी है जिन्होंने अपना फॉर्म के लिए ऑप्ट किया था PWD, या वो PWD से बिलोंग करते हैं, देन उनको अपना सर्टिफिकेट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद जो बच्चे डिफेंस कोटा से बिलोंग करते हैं, देन उनको अपना डिफेंस कोटा सर्टिफिकेट अपना सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद फ़ी रिशीट मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये फ़ी रिशीट है जो आपने जितनी भी फ़ी आप जमा करोगे काउंसलिंग के समय, जैसे आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी हो गया जो काउंसलिंग के समय आप फॉर्म फिलअप करते समय करोगे, उसके अलावा जब आपका सीट अलॉट होता है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी होता है, जितनी भी आप यहाँ पे फ़ी जमा करोगे उसकी आपको एक रिशीट मिलेगी, सबकी रिशीट मिलेगी अलग अलग। तो आप सारे रिशीट को संभाल के रखो, उसकी फ़ोटो कॉपी करवा के रखो, क्योंकि वही एक आपके पास प्रूफ है कि आपने कॉलेज को पैसे दिए हैं। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल संभाल के रखो अपने पास। तो जितनी भी फ्री शीट है आप उसे संभाल कर रखें, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके पास प्रूफ है जो आपने पैसे दे रखे हैं। तो देखिए, आप वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो का पूरा देखें, क्योंकि इसमें मैंने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे मैंने समझा रखे हैं। अगर आप स्किप करेंगे तो डॉक्यूमेंट छूट जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काउंसलिंग करने बैठ जा रहे हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स उसके पास है नहीं, तो उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो आप पहले सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसको बनवा लें, देन काउंसलिंग पाएँ, क्योंकि काउंसलिंग आपके पास बहुत ज़्यादा समय है, अभी 1 महीना पूरा मिला हुआ है आपको। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप पहले बनवा लें, उसके बाद आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें या रजिस्ट्रेशन करें। तो जो हमारा अगला है वो है कैटेगरी सर्टिफिकेट। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट है, तो मैंने सबका अलग अलग जनरली EWS का, OBC का, SC का, ST का, सबके बारे में अलग अलग बना रखा है। पहला हम देखते हैं जनरल EWS के बारे में, क्योंकि जनरल का तो कोई सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना नहीं पड़ता अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं, लेकिन अगर आप जनरल EWS से बिलोंग करते हैं देन आपको EWS सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ता है। और ये जो होता है, बच्चों का कहना है कि EWS सर्टिफिकेट जो है कब तक का वैलिड होना चाहिए, तो जो आपका EWS का सर्टिफिकेट है वो आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए, ये बिल्कुल ज़रूरी है। 1 अप्रैल अगर 2021 के पहले का हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा, 1 अप्रैल 2021 के बाद का होना चाहिए आपका EWS सर्टिफिकेट। एंड आपका अगर आपका ये सेंट्रल है या स्टेट है, देखिए अगर आपका EWS स्टेट से भी बना हुआ है देन वो भी वैलिड है, अगर सेंट्रल से बना है तो वो भी वैलिड है। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि स्टेट है तो हमारा वैलिड नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपका सेंट्रल बना है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अगर आपका स्टेट है देन वो भी आपका पूरा वैलिड होगा। उसके बाद बात है कि डिजिटली साइंड और नहीं, तो अगर आपने डिजिटली साइन करवाया है या नॉर्मल साइंड है, फिजिकली साइन किया गया, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं, आपका दोनों वैल्यू है, दोनों का बराबर वैलिड है। उसके बाद जो अगला डाउट आ रहा है बच्चों का, कि उनकी स्टेट लैंग्वेज में है, कि जैसे वो गुजरात से बिलोंग करते हैं गुजराती लैंग्वेज में है, चाहे कोई अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनके अदर स्टेट के लैंग्वेज में है, हिंदी में ना हो के इंग्लिश में ना हो के उनके स्टेट लैंग्वेज में, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पूरे इंडिया में मान्य होगा, ऐसा नहीं आपकी स्टेट लैंग्वेज में है तो उसको बनवाना पड़ेगा, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगला जो है हमारा OBC के बारे में, तो OBC का जो वैलिड है कब तक का वैलिड होना चाहिए, तो ये भी आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए, अगर उससे पहले का है तो आप नया बनवा लें, क्योंकि इसके पहले का EWS और OBC 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए, अगर पहले का हुआ तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। उसके बाद ये सेंट्रल का होना चाहिए स्टेट का, देखिए OBC जो सर्टिफिकेट है वो स्टेट का नहीं होना चाहिए, स्टेट का वैलिड नहीं होगा, उसको आपको सेंट्रल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा।
देखिए अब स्टेट और सेंट्रल सर्टिफिकेट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1 से 2 दिन का समय लगता है। अगर आपका स्टेट सर्टिफिकेट है देन आप उसको सेंट्रल सर्टिफिकेट में बनवा लें, क्योंकि OBC का सिर्फ सेंट्रल सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। बाकी जो मैंने बताया डिजिटल साइंड या लैंग्वेज वाला, वो सबके लिए वैलिडिटी जो मैंने बता रखे हैं। उसके बाद अगला जो है मैंने SC ST साथ में लिख दिया, क्योंकि SC ST का लगभग लगभग फॉर्मेट जो है सेम होता है। तो SC ST में कोई टाइम का वैलिड नहीं है कि आपका 1 अप्रैल 2021 के बाद का ही होना चाहिए। अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है 4 साल 5 साल पुराना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो ये आपका सर्टिफिकेट बनता है वो आपका परमानेंट सर्टिफिकेट रहता है। तो ऐसा इसमें कुछ टाइम का लिमिट नहीं है कि इसके बाद का ही होना चाहिए, अगर आपका पुराना सर्टिफिकेट है तो भी वैलिड होगा। उसके बाद बात आता है सेंट्रल और स्टेट का, तो आपका सेंट्रल हो या स्टेट हो दोनों ही वैलिड है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका सेंट्रल होना चाहिए स्टेट होना चाहिए, तो इसके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका कुछ भी हो सकता है। बाकी वही डिजिटली साइंड हो सकता है या लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज कोई भी हो वैलिड होगा, डिजिटली साइंड हो या नॉर्मल साइंड वो भी वैलिड होगा। तो यहाँ पे मैंने कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट सॉल्व कर चुके हैं। अब जो लास्ट में बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं गलती डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं तो उनका रिजेक्ट हो जा रहा है, लेकिन कुछ का कहना है कि वो सही भी अपलोड कर रहे हैं तो उनका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो उसके लिए जैक डेली ने कुछ हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, कुछ जीमेल्स दिए हुए हैं, जिस कॉलेज वाइज DTU का, NSUT का, IGDTUW का, DSEU का जो नया नया जुड़ा है, सबके हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं, जीमेल दिए हुए हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होता है देन आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या जीमेल कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई किया जाएगा क्यों रिजेक्ट किया जा रहा है, आपको क्या आगे करना चाहिए। मैंने यहाँ पे दे दिया है आपका क्या क्या हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं इसका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में कि हेल्प डेस्क का क्या 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 उसका कहाँ कहाँ से आप जाके इसका कॉल कर सकते हैं। उसके बाद जो जितने भी मैंने इसमें डॉक्यूमेंट्स बताए इन सारे फॉर्मेट्स का भी मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पर से क्लिक करके डायरेक्ट आप फॉर्मेट्स को देख सकते हैं, मैच कर सकते हैं कि आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा है कि 100% नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं है कि मिलना ही चाहिए, अगर थोड़ा सा भी मिल रहा तो चलेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है 100% सेम ही हो। और जिन बच्चे ने नहीं बनवाया यहाँ से आप अपना फॉर्मेट देख सकते हैं और उसे जल्द से जल्द बनवा लें। सारी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा के अपने पास रख लें देन ही काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बैठें, ताकि आपको वापस से दोबारा बनवाना ना पड़े या बीच में काउंसलिंग आपको छोड़नी ना पड़े। ठीक है, अगर आप और भी कोई डाउट है आपके मन में इसके लिए हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई कर दूँगा। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।